संविधान में इस पीरियड के दौरान आपको बताया जाएगा 9mm ब्राउनी पिस्टल के बारे में, परिचय, उत्पत्ति और विशेषताएं तथा पिस्टल का खोलना जोड़ना। जब पहले इसके परिचय थोड़ा सा जान लें, यह ऑफिसर का जातीय शस्त्र है, नज़दीकी लड़ाई में कारगर सिद्ध होता है तथा इसका बोर का व्यास 9mm है। शरीर के किसी भी भाग में इसे छुपाया जा सकता है। इसे सिंगल तथा बोथ हैंड फायर कर सकते हैं। शॉट रिक्वायर ऑपरेशन सिस्टम पर यह पिस्टल काम करता है। उत्पत्ति, पिस्टल की उत्पत्ति जॉन ब्राउन ने इसको 1925 में किया था, लेकिन 1935 में इसका दो मॉडल बन के तैयार हुआ, एक पुराना मॉडल, दूसरा जो है री एडजस्टेबल मॉडल। जनरल डाटा, पिस्टल का वजन 2 पाउंड 1 औंस, मैगजीन का वजन 3 औंस, भरी मैगजीन का वजन 8 औंस। इस प्रकार से भरी मैगजीन के साथ पिस्टल का वजन जो है 2 पाउंड 9 औंस। कारगर रेंज 20 गज, मैगजीन क्षमता 13 राउंड। इससे शॉर्ट एज काम करने का जो सिद्धांत है वो शॉर्ट रिक्वायर ऑपरेशन सिस्टम पर एक काम करती है तथा नज़दीकी दुश्मन को बर्बाद करने में कारगर है। हम इससे दिशा बदल करके चारों तरफ दुश्मन पर वार करके दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। अब हम इस शस्त्र को खोलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप इसको बागौर देखेंगे। किसी भी शस्त्र को खोलने से पहले उसका सेफ्टी प्रिकॉशन या निरीक्षण करना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को हम बाहर निकालेंगे और बाईं तरफ रख देंगे। इसके बाद जो है स्लाइड को पीछे ले जाएंगे और सेफ्टी कैच स्लाइड झिरी में फंसा देंगे। देखेंगे पिस्टल को तिरछा करके कि इसका जो है चैम्बर खाली है कि नहीं। हमने निरीक्षण किया, चैम्बर खाली है। फिर स्लाइड को थोड़ा पीछे दबाते हुए कैच को नीचे दबा दिए तथा मैगजीन को लगाने के बाद सुरक्षित दिशा में करते हुए हमने ट्रिगर को दबा दिया। यहाँ पर पिस्टल का निरीक्षण हो गया। अब खोलने की प्रक्रिया। खोलने में सबसे पहले हम जो है मैगजीन को पुनः उतारेंगे। उतारने के बाद स्लाइड को पीछे ले जाएंगे और सेफ्टी कैच को स्लाइड में लगाएंगे। स्लाइड लॉकिंग लीवर, दाहिने हाथ के कलमे वाले अंगुली से स्लाइड लॉकिंग लीवर को बाईं तरफ पुश करेंगे और साथ ही साथ स्लाइड लॉकिंग लीवर को बाएं हाथ से निकाल लेंगे। इस प्रकार दाहिने से बाईं तरफ रखते हुए
स्लाइड को थोड़ा पीछे दबा करके और हम जो है फ्रेम को आगे निकाल लेंगे। बाएं हाथ के हथेली पर स्लाइड को रखते हुए रिक्वायर स्प्रिंग गाइड को थोड़ा सा आगे पुश करते हुए बाहर निकालेंगे, साथ ही फ्रेम के बगल में रख देंगे। इसके बाद बैरल को स्लाइड से अलग करने के लिए थोड़ा आगे पुश करेंगे और ऊपर को उठाते हुए स्लाइड से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद स्लाइड को हम सबसे किनारे बाईं तरफ और इसके बाद जो है बाईं तरफ मैगजीन रख देंगे। इस प्रकार से यह ब्राउनिंग पिस्टल हमारा जो है 5 भागों में लगभग खुल करके तैयार हो। ध्यान दें, जैसे कि आपको पूर्व भी बताया गया है कि किसी भी शस्त्र का जो पुर्जा सबसे बाद में खुलता है वो सबसे पहले जुड़ता है। यहाँ पर हम स्लाइड को उठाएंगे, उठाने के बाद बैरल को स्लाइड वे में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करते हुए इसको पीछे लाएंगे, नाम है रिक्वायर स्प्रिंग व गाइड। इसमें जो है गोल वाले भाग को ऊपर रखते हुए रियर बुश में रिक्वायर स्प्रिंग को दाखिल करेंगे। दाहिने हाथ के दोनों उंगलियों से बराबर जो है ताकत लगाते हुए इसको आगे हम पुश करते हैं और बैठा देते हैं। ठीक है, बैठाने के बाद फिर स्लाइड को हम जो है उल्टा करते हैं और फ्रेम को दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रिप को पकड़ते हैं, गाइड और रिप गाइड को मिलाते हुए स्लाइड को हम पीछे ले जाएंगे और सेफ्टी कैच को लगा देंगे। इसके बाद जो है बॉडी लॉकिंग लीवर वे में प्रवेश करेंगे। इसको बल प्रयोग पूर्वक नहीं, हल्का हिलाते हुए इसके वे में दाखिल करेंगे। दाखिल करने के बाद सेफ्टी कैच स्लाइड को थोड़ा पीछे की तरफ ढकेलेंगे और सेफ्टी कैच को छोड़ा देंगे। उसके बाद मैगजीन हाउजिंग में दाखिल करेंगे। छोटा मेहराब आगे की तरफ रखते हुए सुरक्षित दिशा में ट्रिगर को दबा देंगे। एक बार पुनः काक करेंगे और ट्रिगर को दबा देंगे। इस प्रकार से 9mm पिस्टल का खोलना जोड़ना आपके समक्ष दिखाया गया। इसमें किसी को शक तो सवाल नो सर।